नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अग्निवीर बनने को लेकर युवाओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया सीएम योगी ने। गोरखनाथ मंदिर के जनता दर्शन में सीएम से अग्निपथ योजना पर मिलने पहुंचे थे युवा। कहा, अग्निपथ पर सुनहरे भविष्य के अवसरों के अनेकानेक हैं मार्ग, तथ्यहीन और तर्कहीन प्रलाप कर रहा है विपक्ष। अग्निवीरों को सेना, अर्धसैनिक बलों, राज्य सरकार की भर्तियों में आरक्षण के साथ प्राथमिकता, औद्योगिक घरानों ने भी की है नियुक्तियों में प्राथमिकता देने की पहल। दो दिवसीय दौरे पर रविवार को अपने गृह जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दर्शन। फरियादियों की सुनी फरियाद, मामलों का शीघ्र कार्रवाई का दिलाया भरोसा। दोपहर बाद लखनऊ के लिए हुए रवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा। कहा, महानगर में जलभराव हुआ तो तय होगी अफसरों की जवाबदेही। अंतरराज्य 11 मोबाइल चोरों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 12 चोरी का मोबाइल, 72 ग्राम नाजायज स्मैक, एक ऑटो किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। जून को जनपद में आयोजित होने वाले योग दिवस की जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। एडीएम फाइनेंस ने कहा, जनपद में 75 स्थानों पर आयोजित होगा योग दिवस का कार्यक्रम। 8 लाख लोग करेंगे प्रतिभाग। एसपी ट्रैफिक एवं आरटीओ के संयुक्त तत्वावधान में पूर्वांचल ऑटो एसोसिएशन एवं यातायात पुलिस के साथ बैठक हुई संपन्न। यात्री को चौराहे से 50 मीटर पहले ही उतारने और सभी टेम्पो पर 15 दिन के अंदर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने के दिए निर्देश। अग्निवीर योजना के विरोध को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे की 32 ट्रेनें हुई निरस्त। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा, अब कहीं पर भी स्टेशन पर नहीं हो रहा प्रदर्शन। सतर्कता बरतते हुए बिहार जाने वाली ट्रेनों को किया गया है निरस्त। बाकी ट्रेनों का सुचारू रूप से हो रहा है संचालन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रांगण में साप्ताहिक योग शिविर का हुआ समापन। कहा, नियमित रूप से योग करने से नहीं होगी कभी कोई बीमारी। गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त अजय गुप्ता को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। महिला जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर बने पिंक टॉयलेट का महापौर सीताराम जायसवाल ने किया लोकार्पण। कहा, महिलाओं की सुविधा के लिए बनाया गया है यह पिंक टॉयलेट। और अगले कुछ दिनों तक मौसम विभाग के अनुसार जनपद में नहीं होगी बारिश, स्थिति रहेगी सामान्य। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन उसका जीवन सर्वाधिक सम्मानीय हो जाता है जिसे प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की सुरक्षा में रत होकर सेवा का अवसर मिलता है। मां भारती की सेवा करने का सौभाग्य विरलों को मिलता है। आप सभी अग्निवीर बनकर उन विरलों में शामिल हो सकते हैं। अग्निपथ वह पथ है जहां पहुंचकर आपको सुनहरे भविष्य के अवसरों के अनेकानेक मार्ग नजर आएंगे। युवावस्था की ही दहलीज पर 4 साल मान सम्मान, स्वाभिमान व आर्थिक स्वावलंबन के साथ पूरी जाबाजी से देश की सेवा, इसके बाद सेना, अर्धसैनिक बलों, नागरिक पुलिस समेत केंद्र व राज्य सरकार के अनेकों अनेक विभागों में सेवा योजन और करीब 12 लाख रुपए की अपनी बचत पूंजी व सरकार के अनुदानित ऋण से स्वरोजगार के व्यापक अवसर, यह सब आप और आप जैसे युवाओं के लिए ही तो है। यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में उनसे मिलने आए कुछ युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा।
ये युवा सेना में शामिल होकर देश सेवा के लिए बनी अग्निपथ योजना को लेकर अपनी जिज्ञासाओं को लेकर सीएम योगी से मिलने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार का विरोध करने वाले राजनीतिक दल ही इस अति महत्वपूर्ण और अवसर प्रदायी योजना का तथ्यहीन और तर्कहीन प्रलाप कर देश के नौजवानों को बरगला रहे हैं, जबकि देश की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले सेना के वर्तमान और पूर्व सैनिक अधिकारी इसे अभूतपूर्व कदम मान रहे हैं। सीएम योगी ने युवाओं को बताया कि यह कहना कि अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित रहेगा व 4 साल की सेवा के बाद किसी काम लायक नहीं रह जाएंगे, समाज के लिए खतरा बन जाएंगे, यह शूद्र विचार है। उन्होंने कहा कि यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रूस, इसराइल, चीन व फ्रांस जैसे देशों में भी युवा इस तरह की योजना से जुड़कर देश सेवा और उज्जवल भविष्य से गौरवानुभूति कर रहे हैं। अग्निपथ ऐसी योजना है जो युवाओं को 4 साल सेना की सेवा के साथ ही समाज को अनुशासित और प्रशिक्षित नागरिक उपलब्ध कराएगी। सीएम योगी ने युवाओं की भ्रांतियों को दूर करते हुए कहा कि सरकार अग्निवीरों को प्रति माह 30,000 से 40,000 रुपये वेतन देने के साथ ही बीमा, जोखिम भत्ता, कैंटीन के साथ अन्य सुविधाएं भी देगी। उन्होंने कहा कि प्रभु ना करे कि किसी अग्निवीर के साथ अनहोनी हो, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा हुआ तो शहीद होने पर सरकार उनके परिजन को 1 करोड़ रुपए तथा बचे हुए सेवाकाल का पूर्ण वेतन भुगतान करेगी। दिव्यांगता होने की दशा में शेष सेवा अवधि का पूर्ण वेतन भुगतान के अलावा 44,00,000 रुपए तक दिव्यांगता क्षतिपूर्ति दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सेवा पूर्ण करने के बाद अग्निवीरों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कंबाइंड आर्म्ड पुलिस फोर्सेस तथा असम राइफल्स में 10% रिक्तियों के साथ आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। रक्षा से जुड़े लोक उद्यमों, डिफेंस पीएसयू, कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन की भर्ती में भी 10% रिक्तियां अग्निवीरों के लिए होगी। उत्तर प्रदेश सरकार भी पुलिस व अन्य भर्तियों में अग्निवीरों को विशेष आरक्षण देगी। कई औद्योगिक घरानों ने भी अग्निवीरों को अपने यहाँ नियुक्तियों में वरीयता देने की पहल की है और यदि अग्निवीर अपनी सेवा पूर्णता के बाद उद्यमी या कारोबारी बनना चाहेंगे तो उन्हें कई स्वरोजगार योजनाओं के जरिए भारी अनुदान पर ऋण उपलब्ध कराने के साथ तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए उनके पास अपनी कमाई के करीब 12,00,000 रुपये पहले से मौजूद होंगे। सीएम योगी द्वारा किए गए मार्गदर्शन से जिज्ञासु युवा न केवल पूरी तरह संतुष्ट दिखे बल्कि उन्होंने उत्साह के साथ उनसे वादा किया कि सेनाओं में शामिल होकर वह देश की सेवा और अपने उज्जवल भविष्य के लिए अग्निवीर बनने और अग्निपथ पर चलने को जी जान लगा देंगे। सीएम ने उन्हें अग्निवीर की आगामी भर्तियों के लिए शुभकामनाएं दी। अपने 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की सुबह हिंदू सेवा आश्रम में पहुंच करीब 150 लोगों की बातों को सुना। महिलाओं की संख्या हमेशा की तरह अधिक रही, जबकि यात्री निवास में करीब 250 फरियादी मौजूद रहे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए फरियादियों के प्रार्थना पत्र यहां अधिकारियों ने लिए, शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सोमवार को भी पुलिस से जुड़ी शिकायतों के साथ ही भूमि विवाद से जुड़े मामले अधिक रहे। इस दौरान जहां बकरी मारने का मामला सीएम तक पहुंचा तो वहीं नौकरी के लिए भी गुहार लगाई गई। बलिया के रहने वाले दिव्यांग अभयराज भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। सीएम को प्रार्थना पत्र देते ही अभयराज के आंखों से आंसू छलक गए। मुख्यमंत्री ने पूछा कि समस्या क्या है तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं बेहद गरीब हूं, दोनों पैरों से दिव्यांग हूं और बेरोजगार हूं। परिवार में कोई अन्य आय का साधन भी नहीं है। मैंने इंटरमीडिएट और ITI ड्राफ्टमैन सिविल से किया है। मुझे नौकरी की बेहद ज़रूरत है, कृपया मेरे लिए कोई नौकरी की व्यवस्था की जाए। इस पर सीएम ने कहा कि जो भी भर्तियां निकल रही हैं उनमें दिव्यांग कोटा होता है, सभी भर्तियों में दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाती है। आप फार्म भरिए, नौकरी ज़रूर मिलेगी।
पीपीगंज इलाके के रहने वाली विमला देवी की शिकायत सुन मुख्यमंत्री मुस्कुराए भी और पुलिस पर नाराजगी भी जाहिर की। विमला देवी की शिकायत थी कि उनके पड़ोसी राकेश और देवीलाल के बीच भूमि विवाद चल रहा है, जिसमें देवीलाल और उनकी बेटियों ने मिलकर उनकी बकरी को मार दी और घर का छज्जा भी तोड़ दिया। पुलिस से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएम से गुजारिश किया कि इस मामले की किसी बड़े अफसर से जांच कराकर कार्रवाई की जाए। सीएम ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया, साथ ही वहां मौजूद अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। इसी तरह आशीष सिंह ने पुलिस में सब इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती में गड़बड़ी किए जाने की शिकायत की। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र देकर कहा कि जिनके नंबर कम थे वे मेरिट में आ गए और जिनके ज्यादा थे वे बाहर हो गए। उन्होंने सीएम से पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की। सीएम ने पत्र लेकर न्याय का भरोसा दिलाते हुए कार्रवाई की बात कही। गीडा इलाके के भवापार की रहने वाली रेशमा देवी ने सीएम को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई कि कुछ भूमाफिया पुलिस की मदद से सरकारी पट्टे की जमीन को कब्जा कर रहे हैं, साथ ही उनकी जमीन को भी कब्जा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों से मामले की जाँच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। धर्मशाला बाजार के पूर्व पार्षद ने पीएम आवास में बगैर निर्माण कराए 1.5 करोड़ रुपए के भुगतान की शिकायत की। उनकी शिकायत पर सीएम ने कमिश्नर रवि कुमार एनजी को जांच करा कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन के दौरान डीएम कृष्णा करुणेश, एसएसपी विपिन ताड़ा, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की सुबह सबसे पहले शिवताली गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन किया, साथ ही अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेक उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद मंदिर भ्रमण करते हुए गौशाला पहुंचे, जहां तकरीबन 30 मिनट तक गौ सेवा की, गौ सेवकों से संवाद कर गर्मियों में गायों की देखभाल की जानकारी ली, जरूरी सलाह भी दी। उसके बाद वापसी में अपने स्वान कालू और गुल्लू से भी मिले। उसके बाद सीएम जनता दर्शन के लिए हिंदू सेवाश्रम पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महानगर में किसी भी दशा में जलभराव ना होने पाए, समय रहते इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। अब यदि बरसात शुरू होने पर कहीं भी जलभराव के चलते नागरिकों को परेशानी हुई तो अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। सीएम योगी सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों से नागरिकों को बचाना शासन प्रशासन का दायित्व है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बरसात में किसी भी नागरिक को जलभराव आदि की समस्याओं से परेशान ना होना पड़े। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने उन्हें बताया कि जलभराव से मुक्ति के लिए सभी जरूरी उपाय कर लिए गए हैं। सभी नालों की तल्ली झार का कार्य सफाई निरंतर जारी है। इसके साथ ही पंपिंग स्टेशनों को सुव्यवस्थित करने के साथ आवश्यकता अनुसार उनकी क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पैडलीगंज से फिराक गोरखपुरी चौराहा तक सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि 4 लेन स्मार्ट रोड बनाने के लिए 393 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने नौकायन से देवरिया बाईपास रोड को फोर लेन बनाने के प्रस्ताव के विषय में भी पूछा। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ रोड की ओर एक और ओवरब्रिज बनाने का निर्देश दिया। इस पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसका प्रस्ताव तैयार किया जाए। विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने निर्देशित किया कि शहर हो या गांव, हर जगह निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना नागरिकों के लिए लाभकारी है, इसे लेकर उन्हें जागरूक कर उन्हें बकायेदारी से मुक्ति दिलाई जाए। उन्होंने एकमुश्त समाधान योजना में अब तक हुई प्रगति की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के बारे में भी पूछा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय योग दिवस मनाने लगा है। योग दिवस पर आयोजन भव्य होना चाहिए। बैठक के दौरान रामगढ़ ताल में क्रूज चलाने को लेकर भी मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह द्वारा बताया गया कि नीलामी फाइनल हो गई है, ऑस्ट्रेलिया से क्रूज आएगा, करीब 3 से 4 महीने लगेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रूज संचालित होने से पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। बैठक के दौरान रामगढ़ ताल से गाद निकालने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री को बताया गया कि स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन NMCG को 350 करोड़ का प्रोजेक्ट भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस मामले में NMCG से बात की जाए, शासन स्तर से भी इसके लिए प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अग्निपथ योजना के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शनों को देखते हुए कानून व्यवस्था की समीक्षा की। DIG जे रविंद्र गौड़ एवं SSP विपिन ताडा ने बताया कि इस पर नजर रखी जा रही है, पीपीगंज में की गई कार्रवाई से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को इस योजना के फायदे समझाएं। सीएम योगी ने निर्माणाधीन सैनिक स्कूल, आयुष विश्वविद्यालय आदि के प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों से कहा कि ये दोनों प्रोजेक्ट प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूर्ण कराएं। मुख्यमंत्री ने वेटनरी कॉलेज के लिए जमीन की उपलब्धता के विषय में पूछा तो SDM सदर कुलदीप मीणा ने उन्हें चिन्हित की गई जमीन के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द जमीन फाइनल की जाए। बैठक में मंडलायुक्त रवि कुमार NG, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, CDO इंद्रजीत सिंह, विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कैन पुलिस ने 11 अंतर्राज्यीय मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 11 अभियुक्तों को सरदार तिराहा रेलवे कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान शेखर कुमार पुत्र स्वर्गीय राम महतो निवासी महतो थाना तालझारी जनपद साहबगंज झारखंड, दूसरा मिथुन महतो पुत्र स्वर्गीय किशोर महतो निवासी महाराजपुर थाना तालझारी जनपद साहबगंज झारखंड, तीसरा विक्रम चौहान पुत्र दिलीप चौहान निवासी दुर्गाकुंड थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी, चौथा गोपाल कुमार महतो पुत्र स्वर्गीय राजकुमार महतो निवासी नया टोला महाराजपुर थाना तालझारी जिला साहबगंज झारखंड, पांचवा मंतोष सिंह पुत्र स्वर्गीय श्रवण सिंह निवासी तीन पहाड़ बाबूपुर जिला साहबगंज झारखंड, छठवा धर्म कुमार पुत्र अनिल राय निवासी राघोपुर चांदपुरा थाना फतेहपुर जिला वैशाली बिहार, सातवां राहुल कुमार महतो पुत्र सत्यनारायण महतो निवासी तीन पहाड़ बाबूपुर साहबगंज झारखंड, आठवां मनीष कुमार कसौधन पुत्र दिलीप कुमार कसौधन निवासी पठान टोला थाना दक्षिण दरवाजा पुरानी बस्ती जिला बस्ती के रूप में हुई है। इनके साथ ही 3 बाल आबचारी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 12 चोरी का मोबाइल, 72 ग्राम नाजायज स्मैक, घटना में प्रयुक्त एक ऑटो बरामद हुआ। SPCT ने बताया कि पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि इनका एक गैंग है, गैंग के ही सभी लोग अपने गांव के अगल बगल के गरीब घर के लड़के जो 10 से 12 साल के बीच के रहते हैं उनको लाते हैं एवं गोरखपुर बनारस इलाहाबाद अन्य जगह पर 10 से 15 दिन के लिए रूम लेकर रुकते हैं और सुबह टेम्पू से या अपने काम पर चोरी करने के लिए निकलते हैं और इन लड़कों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर छोड़ देते हैं तथा बाहर बैठ कर निगरानी करते हैं। लड़के मॉल या सब्जी मंडी तथा फल मंडी मेला सारी जगहों से जहां काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है वहां से लोगों का मोबाइल चोरी कर लेते हैं। इस तरह कुल 4 से 5 मोबाइल रोज़ चोरी करते हैं।
एवं जब इनके पास 75 से 100 मोबाइल हो जाते हैं तो यह अपने गांव चले जाते हैं। इनका साइबर अपराध करने वाले बंगाल व बिहार झारखंड के लोगों से संपर्क है, उन्हीं को ये मोबाइल 4 से 5 हज़ार के बीच में बेच देते हैं। साइबर अपराधी इन मोबाइलों का साइबर अपराध कारित करने में उपयोग करते हैं। ये बच्चे पकड़े जाने पर किसी को भी कहां रुके हैं इसका पता नहीं बताते हैं एवं पकड़े जाने पर इनके साथी तुरंत उस शहर को छोड़ देते हैं। यहां पर इनके पास से चोरी के कुल 12 मोबाइल बरामद हुआ है तथा जिस टेम्पो से 7 दिन से घूम घूम कर अपराध कर रहे थे उसका ड्राइवर एवं टेम्पो भी पकड़ा गया है। एसपी सिटी ने बताया कि सभी अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया तथा गिरफ्तार करने वाली टीम को 21,000 का इनाम दिया जाता है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी सचिव भूषण राय, रेलवे चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, विश्वविद्यालय चौकी प्रभारी विजय कुमार गौड़, हेड कांस्टेबल धीरज सिंह, जितेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, अभिषेक सिंह, जोगेंद्र प्रसाद, अनिरुद्ध यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, ये जो झोला है, एक बच्चा है वो इस झोले को लेके बालबचारी है वो बगल में उसके बैठ के उससे फिर गायब हो जाता है। तो ये बेसिकली ये झोला जो है इसी के लिए ही बना है, इसमें और कोई काम नहीं है, इसमें कुछ डालने की सिर्फ फोन चोरी के लिए बना है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए आज 2 अंतर्राज्यीय गैंग, जिनमें दोनों गैंग जहर खुरानी, मोबाइल चोरी, लैपटॉप चोरी, बैग चोरी एवं विभिन्न प्रकार के अपराध कारित करते हैं। इस तरीके की 2 गैंगों से 8 लोग जो वयस्क हैं एवं 4 बाल अपचारी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 12 मोबाइल एवं 72 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। ये लोग इनका मोडस ऑपरेंडी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये प्रतिदिन प्रातः सुबह को एक टेम्पो लेके निकलते हैं जिसमें ये 4-5 लोग बैठ जाते हैं और टेम्पो को ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे फल मंडी या पे रेलवे स्टेशन या इस तरीके का बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका हो एवं बच्चों को बाल अपचारियों को वहाँ पे छोड़ देते हैं एवं बच्चों के माध्यम से चोरी करवाते हैं, खुद दूर से देखते हैं। और ये घटनाएँ इलाहाबाद और वाराणसी एवं विभिन्न जनपदों उत्तर प्रदेश के एवं विभिन्न राज्यों में ये घटनाएँ कारित करते आए हैं। ये लोग झारखंड के रहने वाले हैं एवं ये लोग जो फ़ोन मोबाइल चोरी करते हैं, इस मोबाइल जब ये 75 या 100 के आसपास जब मोबाइल चोरी हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तब ये लोग वापस झारखंड जाते हैं और वहाँ जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको ये अपने फ़ोन बेच देते हैं 4 से 5 हज़ार रुपये में, और बाद में उन फ़ोनों का प्रयोग साइबर क्रिमिनल्स द्वारा लोगों को देश के विभिन्न भागों में साइबर फ्रॉड के माध्यम से फंसाने का काम किया जाता है। ये लोग हर ज़िले में 10 से 15 दिन के ड्यूरेशन के लिए रहते हैं एवं गोरखपुर में एक मकान किराए डोम बस्ती में मकान के किराए पे रह रहे थे एवं एक ऑटो चालक जिसको भी गिरफ्तार किया गया है जो 7 दिन से इनको विभिन्न जगहों पर ले जाके घुमा रहा था एवं चोरी कराने में सम्मिलित था। सभी लोगों को हिदायत दी जाती है कि वेरिफिकेशन कराने के बाद ही कमरा किराए पर दें। आधार कार्ड जरूर इनके द्वारा दिया गया था लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इस तरीके के लोग जो 10-12 दिन के लिए आते हैं एवं जनपद में चोरी करके चले जाते हैं। ये जनपद के सभी निवासियों को हिदायत दी जाती है कि भीड़ भाड़ के स्थानों पर अपना सामान, अपना मोबाइल वगैरह ये सब इसकी सार संभाल रखें एवं इस प्रकार के चोरों के चंगुल में ना फंसें। जनपद गोरखपुर में इनका कल 6ठा दिन था
एवं ये करीबन 12 मोबाइल इनके पास से बरामद हुए हैं एवं अन्य भी एक दूसरा गैंग और पकड़ा गया है, उसकी बरामदगी भी की जाएगी उनकी निशानदेही पर। इस प्रकार से ये 15 दिन इनका यहाँ टारगेट था रहने का, तो अगर वो यहाँ रहते तो कम से कम 75 से 100 मोबाइल और गोरखपुर से ये लोग चोरी करते एवं उसके बाद ये फिर झारखंड के लिए पलायन करते। जनपद में 21 जून को आयोजित होने वाले योग दिवस की सभी तैयारी पूरी हुई, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसके लिए 75 से अधिक साइट पर बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जेल, वी पार्क, टीडीयू, MMTU सहित बड़े संस्थाओं में योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा गोरखनाथ मंदिर, नौकायन जेट्टी पर योग का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सभी लोगों को पंजीकृत कर लिया गया है। कल सुबह 6 बजे तक सभी लोग ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में एकत्र होंगे। 6:40 से 7 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी योग दिवस पर देश को संबोधित करेंगे तथा 7 बजे से 7:45 तक योग का कार्यक्रम होगा, जिसके लिए लिंक शेयर कर दिया गया है। उसके बाद योग समापन के बाद राष्ट्रगान का कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि जनपद में 8 लाख लोग शामिल हो रहे हैं, इसलिए सभी लोग योग में भाग जरूर लें, क्योंकि योग करने से सभी लोग निरोग रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ और हमारे जनपद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाना है उसके लिए पूर्ण तैयारी कर ली गई है। हमारे जनपद में 75 से अधिक साइट्स पर बड़े योग कार्यक्रम हो रहे हैं। जितने भी संस्थान हैं, जैसे जेल है, एम्स है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, डीडीयू है, एमएमटीयू है, सभी बड़े बड़े संस्थानों में बृहद स्तर पर उन्होंने अपने कार्यक्रम आयोजित कर रखे हैं। हमारे स्तर पर जो राज्य शासन के स्तर पर है वो महंत दिग्विजयनाथ पार्क में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, दूसरा गोरखनाथ मंदिर में आयोजित किया जा रहा है और तीसरा नौकायन में जो बोट जेट्टी है वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सभी लोगों को पंजीकृत कर लिया गया है, मुख्य अतिथि कौन होंगे वो डिसाइड कर लिया गया है। कल सुबह 5:30 पर सभी लोग वहाँ पर एकत्र होंगे, 5:30 से 6 बजे तक एकत्र होना है। 6 से 6:40 तक स्थानीय स्तर पर एक प्रकार की गाइडलाइन हो जाएगी कि कैसे योग किया जाना है और स्थानीय वक्ता जो भी होगा वे लोगों को संबोधित करेंगे। 6:40 से 7 बजे तक माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को योग दिवस पर संबोधित किया जाएगा और 7 से 7:45 तक योग का कार्यक्रम होगा और उसका लिंक हमने सभी को शेयर कर दिया है। YouTube पे वो उपलब्ध है, लोगों को अपनी एक प्रारंभिक तैयारी कर लेनी होगी और जो लोग योग करते हैं वो निश्चित रूप से अच्छे से कर पाएंगे। योग का जो समापन होगा उसमें राष्ट्रगान होगा, 7:46 पर राष्ट्रगान के साथ योग का कार्यक्रम समाप्त होगा। सर, इसमें कुछ सीमा भी कितने लोग शामिल होंगे? ये तो सबके लिए है, अभी हमारे जनपद में 8 लाख लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये तो योग तो सबके लिए है, जो योग करेगा वो निश्चित रूप से निरोग रहेगा, तो ये सभी के लिए। मेरा आपसे अनुरोध है, सभी पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध है कि वो लोग योग के कार्यक्रम में अवश्य पार्टिसिपेट करें। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं RTO अनीता सिंह के संयुक्त तत्वावधान में पुलिस लाइन के पुलिस सभागार कक्ष में पूर्वांचल ऑटो एसोसिएशन एवं यातायात पुलिस के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान टेम्पो यूनियन द्वारा शहर में विभिन्न चौराहों पर ऑटो स्टैंड बनाने की मांग की गई, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक ने बताया कि सभी टेम्पो चालक 15 दिन के अंदर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवा ले तथा गाड़ी का फिटनेस पूर्ण रूप से कर लें एवं वाहन के सभी प्रकार के कागजात पूरा रखें और अपने निर्धारित रूट पर भी चलें तथा यात्री को चौराहों से 50 मीटर पहले ही उतारें, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो सके। उन्होंने टेम्पो चालकों को हिदायत दिया कि अगर किसी के पास काले रंग की टेम्पो है तो उसे शहर में ना चलाएं तथा वाहन का समय समय पर प्रदूषण का मानक चेक कराते रहें, जिससे शहर को प्रदूषण से मुक्त किया जा सके। वहीं RTO अनीता सिंह ने बताया कि
ऑटो चालकों को रोड पर चलने के लिए टैक्स परमिट के बारे में निर्देशित किया गया और जिनका टैक्स जमा नहीं हुआ उन्हें अपना टैक्स जमा करने के लिए कहा गया है। इस अवसर पर यातायात निरीक्षक मनोज राय, यातायात उप निरीक्षक राम वृक्ष यादव सहित टेम्पो यूनियन के पदाधिकारी तथा ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं RTO अनीता सिंह ने कहा, ये बताइए उधर ये ऑटो एसोसिएशन से जो आपकी बात हुई थी वहाँ चलना चाहेंगे क्या अभी? ऑटो एसोसिएशन तो शाम को 6 बजे लेके जाए, ये पॉइंट तो शाम को 6 बजे रखते हैं, ये सारे पॉइंट घूम लेते हैं शाम को। दूसरी बात सर, शाम को 6 बजे हम वहीं पहुँच जाएंगे। दूसरी बात जो सर, स्टैंड से हट के गाड़ियों को अवैध तरीके से लगती है, जैसे आपका गणेश फराह हो गया, रेलवे का प्रीपेड है अंदर, वहाँ से गाड़ियाँ संचालित होती हैं, लेकिन रेलवे प्रीपेड से बाहर पटरू पे मतलब रोड पे गाड़ियाँ लगती हैं, उन गाड़ियों को व्यवस्थित अंदर उनको कर दिया जाए, रोड के न रहें। ये सब चीज़ हो जाए, धर्मशाला पुल के नीचे बराबर गाड़ियाँ ऑटो लगी रहती हैं, और इस समय जो कि महाराज जी का सख्त निर्देश है, निर्देश होने के बावजूद वहाँ पे गाड़ियाँ जब जाएंगे सर तो वहाँ पे पुल के नीचे पाएंगे पूरा पुल सर जा। जो व्यवस्थित स्टैंड था, जो व्यवस्थित स्टैंड चल रहा था, उन निर्देश के क्रम में उसको खुद वहाँ से लोग हट गए, लेकिन जहाँ जहाँ अव्यवस्थित है वहाँ फिलहाल अभी भी गाड़ियाँ उचित पर चल रही हैं, कोई न रुकने वाला है न कोई टूकने वाला है। अपना वो बना ले रहे हैं, वो मंडी का भी यही दशा है। सारे बताइए आपके पास जितने ऑटो हैं जी, मतलब आपके समझिए पंप कितने हैं सर? जितने भी गैस लाइन लगा रहे हैं उसके बाद ये देखिए रात लाइन लगाते हैं, इसके बाद गैस मिलता नहीं है। दो बजे रात को सर ये नंबर लगाता है और 11 बजे में गैस मिलती है। संदर्भ बढ़वाते हैं बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर कितने पहले बताओ आइडिया होगा? 7 है सर। रवि में नहीं मेन रोड पर मतलब तो कोई जगह जमीन है नहीं, कोई दिया गया जो भी दिया गया रोड के किनारे वो पार्किंग बना के दे दो। जो चर्च के सामने जो दुकानें बनी है सर, वो सामने सब लगने उनका पार्किंग था, लेकिन सभी दुकानदार अपने आगे बनाते 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 लगभग 20 मीटर से भी ज़्यादा वो जो पार्किंग का स्पेस है और पार्किंग की जगह ऑटो भी थी आज 50 साल से वो उसको कब्जा कर लिया। हाँ ये बात सही है, वो खाली हो जाए कभी, अब खाली हो जाएगा तो वहाँ कभी जाम लगता है, 50 साल का अच्छी व्यवस्था देने के लिए तैयार हैं हम आपके साथ मिल के सर, को एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आप बस हमें बताएं कि कैसे क्या करना है क्या नहीं, पूरी संगठन आपके साथ है सर, एक अच्छी व्यवस्था देंगे। लेकिन इसमें कभी उत्पीड़न के नाम पे, कभी किसी और चीज़ के नाम पे डाइवर्ट हमेशा संगठन हो जाता है। बात एक चीज़ बनाना है दूसरा तुरंत हो जाता है करने वाला, ये कैसे हो गया वो कैसे, पहले एक व्यवस्था दें, व्यवस्था देने के बाद कहाँ कमी आ रही है, जैसे गैस की बात है, गैस पर कमियाँ कहाँ से आ रही हैं, क्यों फिलिंग हो नहीं पा रहा है, क्यों गैस कम आ रही है, उस पर फोकस किया जाए। ये गैस भरपूर आने लगी, टंकी कहाँ कितनी शहर में चाहिए, कितने टंकी से फिलिंग हर आटो का हो जाएगा, उस हिसाब से टंकी व्यवस्थित हो जाए। तो खराब नहीं होने दी थी, चलने नहीं थे प्राइवेट गाड़ियाँ का, और वो टैक्सी तो होगा, टैक्सी में नहीं प्राइवेट नहीं है, कमर्शियल नहीं है प्राइवेट का। इसी के लिए कमीशन साहब इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से बोला गया था कि ऑनलाइन एक प्रीपेड टैक्सी की सुविधा खोल दे वहाँ पे, तो उन्होंने शायद टेंडर उन्डर किया है इस चीज़ का, अभी तक उसका फाइनलाइज नहीं हुआ है। किसने किया है? इसमें RTO साहब के वो व्यवस्था टैक्सियों के लिए कॉमन है।
वो जो 50 रुपये प्रति जो होता है बहुत महंगा है। और वो तो हम लोग भी नहीं, हम लोगों ने बोला कि महंगा है 50। तो वहाँ पे कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, जैसे बनारस बनारस एयरपोर्ट पर है तो नंबर प्लेट को सीधा तो लिखवा लो, पढ़ने में तो आ जाए बाबा पापा नाना तेरा मेरा लिखा हुआ तो ना लिखे, कम से कम साफ तो लिखे। जो 2 इंच का साइज है कितना लिखेगा, 2 इंच का वो नहीं, वो अच्छे साथ में प्रिस्क्राइब नहीं, अच्छे साथ में मतलब अच्छे साथ में जब तक नहीं मिले तब तक स्टैंडर्ड तो मिले ना, नंबर तो ना लिखे कम से कम। टहलने जाओ सुबह रोड पे, इतना खराब व्यू लगता है सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे यूनिवर्सिटी चौक पे कि पता है नंबर प्लेट ही नहीं है। लेकिन जो भी स्टैंडर्ड रूल है वो परिवहन विभाग और आपके बीच है, आप चालक हैं या अध्यक्ष हैं उसके, तो आप लोग उसकी पूर्ति कराएं ताकि, क्योंकि कोई ऐसी दुर्घटना हो गई मान लीजिए, दुर्घटना का तो कोई समय होता नहीं है, किसी डंपर में किसी ऑटो में हिट किया, कोई 2, 4, 5, 6 कैजुअल्टी हो गई, नजर सिस्टर की नोट बनी तो इन सब चीज़ों की जांच होगी, इन सब चीज़ों की जांच होगी तो जांच की आँख हमारे ऊपर भी आएगी, तो हम क्यों उस जाँच के लिए झेलें, हम क्यों उस आँच में झेलें, और आपके ऊपर भी नहीं आने चाहिए भाई, आप एक आजीविका चला रहे हैं। पूर्वांचल ऑटो एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ एसपी ट्रैफिक और मेरे द्वारा एक बैठक अरेंज की गई थी जिसमें उनके द्वारा उनकी समस्याएं सुनी गई और उनको टैक्स परमिट रूट पे चलने के लिए निर्देशित किया गया और ये भी बताया गया कि अगर कोरोना काल में अगर उनका टैक्स नहीं है तो उस टैक्स को जमा करा दें, उनके पेनल्टी में जो भी सुविधाएं हो सकती हैं हम लोग उनको सुविधाएँ देकर टैक्स जमा कराने के लिए उनको मैंने हम लोगों ने प्रेरित किया है और उनको 2-3 चीज़ों पर निर्देशित भी किया है और सहयोग की अपेक्षा भी की है कि वो लोग सिटी में ना चल के बाहर ना चलें और बाएं तरफ की लेन खाली करें और किसी भी चौराहे पे ना सवारी चढ़ाएं ना उतारें, इसके लिए उन लोगों ने हमें सहयोग का जो है अपने सहयोग के लिए हमें आश्वस्त किया था। उनको हम लोगों ने आज की शहर में ना लेने के लिए उनको निर्देशित जो किया गया है उसमें अभी स्टैंड प्रस्तावित किया जा रहा है, स्टैंड को उनको दिखा दिया जाएगा और वो निर्धारित स्टैंड पर ही अपनी वाहन खड़ी करेंगे और शहर में नहीं आएंगे, उनका ऐसा आश्वासन मिला है। गौरक्ष पूर्वांचल ऑटो एसोसिएशन के पदाधिकारियों की आज मीटिंग की गई, उस मीटिंग में उनकी समस्याओं को सुना गया और उनके लिए शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग देने के लिए उनको दिशा निर्देश दिए गए। उनसे अनुरोध किया गया कि अपने सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाएं और जिस रूट का परमिट है उसी रूट पर चलें, वाहनों की अपनी फिटनेस पूरी कर लें और वाहनों में बाहर से कोई मॉडिफिकेशन ना लगाएं। इसके लिए उनके लिए समय दिया गया है कि इस काम के लिए आप लोग बिल्कुल नियम और कायदे से अपने वाहनों को दुरुस्त कर लीजिए और बढ़िया और सुंदर हमें शहर की यातायात व्यवस्था बनानी है, शहर का रूप और डिसिप्लिन तरीके से ऑटो का यहाँ पे संचालन हो। सब ने सहयोग का आश्वासन दिया है और इसके बावजूद भी कुछ लोग अगर नहीं मानेंगे, इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी। इनके लिए समय दिया गया है कि HSRP में अभी चूंकि काफ़ी लोड चल रहा है, जब से हम लोगों ने इस पे ड्राइव पे काफ़ी जोर दिया है तो HSRP इशू करने वाले जो डीलर्स हैं उन पे काफ़ी प्रेशर है, तो इनको 15 दिन का समय दिया गया कि 15 दिन के अंदर अप्लाई कर दें, अगर कोई 15 दिन के अंदर अप्लाई नहीं करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अग्निवीर बनने को लेकर युवाओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया सीएम योगी ने। गोरखनाथ मंदिर के जनता दर्शन में सीएम से अग्निपथ योजना पर मिलने पहुंचे थे युवा। कहा अग्निपथ पर सुनहरे भविष्य के अवसरों के अनेकानेक हैं मार्ग, तथ्यहीन और तर्कहीन प्रलाप कर रहा है विपक्ष। अग्निवीरों को सेना अर्धसैनिक बलों राज्य सरकार की भर्तियों में आरक्षण के साथ प्राथमिकता, औद्योगिक घरानों ने भी की है नियुक्तियों में प्राथमिकता देने की पहल।
दो दिवसीय दौरे पर रविवार को अपने गृह जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दर्शन, फरियादियों की सुनी फरियाद, मामलों का शीघ्र कार्रवाई का दिलाया भरोसा, दोपहर बाद लखनऊ के लिए हुए रवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा, कहा महानगर में जलभराव हुआ तो तय होगी अफसरों की जवाबदेही। अंतर्राज्यीय 11 मोबाइल चोरों को कैन पुलिस ने किया गिरफ्तार, 12 चोरी का मोबाइल, 72 ग्राम नाजायज स्मैक, एक ऑटो किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। इक्कीस जून को जनपद में आयोजित होने वाले योग दिवस की जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी, एडीएम फाइनेंस ने कहा जनपद में 75 स्थानों पर आयोजित होगा योग दिवस का कार्यक्रम, 8 लाख लोग करेंगे प्रतिभाग। एसपी ट्रैफिक एवं आरटीओ के संयुक्त तत्वावधान में पूर्वांचल ऑटो एसोसिएशन एवं यातायात पुलिस के साथ बैठक हुई संपन्न, यात्री को चौराहे से 50 मीटर पहले ही उतारने और सभी टेम्पो पर 15 दिन के अंदर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने के दिए निर्देश। अग्निवीर योजना के विरोध को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे की 32 ट्रेनें हुई निरस्त, पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा अब कहीं पर भी स्टेशन पर नहीं हो रहा प्रदर्शन, सतर्कता बरतते हुए बिहार जाने वाली ट्रेनों को किया गया है निरस्त, बाकी ट्रेनों का सुचारू रूप से हो रहा है संचालन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रांगण में साप्ताहिक योग शिविर का हुआ समापन, कहा नियमित रूप से योग करने से नहीं होगी कभी कोई बीमारी। गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त अजय गुप्ता को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। महिला जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर बने पिंक टॉयलेट का महापौर सीताराम जायसवाल ने किया लोकार्पण, कहा महिलाओं की सुविधा के लिए बनाया गया है यह पिंक टॉयलेट। और अगले कुछ दिनों तक मौसम विभाग के अनुसार जनपद में नहीं होगी बारिश, स्थिति रहेगी सामान्य, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप, जी हां सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अग्निवीर योजना के विरोध को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे की 32 ट्रेन निरस्त हुई, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे पर कहीं पर भी किसी तरह का प्रदर्शन नहीं चल रहा है, लेकिन सतर्कता बरतते हुए बिहार से जाने वाली 32 ट्रेनों को निरस्त किया गया है, जिसमें से 24 एक्सप्रेस ट्रेनें, 4 विशेष ट्रेनें, 4 सवारी ट्रेनें हैं। इसके अलावा एक ट्रेन रिशेड्यूल करके चलाई जा रही है और 2 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया गया है। उन्होंने कहा, अभी जो ट्रेनें बाकी हैं वह सुचारू रूप से चल रही हैं, जिनका संचालन किया जा रहा है तथा कहीं पर भी तोड़फोड़ या आगजनी की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, अभी पूर्वोत्तर रेलवे में कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं चल रहा है और आज एहतियातन बिहार से जाने वाले स्पेशली कुल 32 ट्रेनों का निरस्तीकरण किया गया है, जिसमें से 24 एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, 4 विशेष ट्रेनें हैं और 4 सवारी ट्रेनें हैं। एक ट्रेन रिशेड्यूल करके चलाई गई है और 2 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया गया है। अभी जो ट्रेनें बाकी हैं वो सब सुचारू रूप से चल रही हैं, उनका संचालन प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। कहीं पर दंगा फसाद या कुछ भी ऐसी आगजनी सूचना? पूर्वोत्तर रेलवे में किसी भी स्टेशन पर या कहीं भी इस तरह की कोई सूचना नहीं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रांगण में साप्ताहिक योग शिविर कार्यक्रम का समापन किया गया, जिसके संबंध में कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि आज के वर्तमान समय में अनेकों प्रकार की नई नई बीमारी हो रही है, इससे बचने के लिए मात्र योगा ही एक उपाय है। उसी संबंध में राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रांगण में कॉलेज के बच्चों को योगा कराया गया तथा योगाचार्य को बुलाकर योग के विषय में जानकारियां दिलाया गया कि जिससे युवा योग से लाभान्वित हो और अपने घर तथा समाज में जाकर जागरूक करें कि योग करने से आप सभी निरोग रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी बीमारी को योग के माध्यम से दूर कर सकते हैं और अगर नियमित रूप से योग किया जाए तो किसी भी प्रकार की कभी कोई बीमारी नहीं होगी। इस अवसर पर वरिष्ठ स्वयंसेवक कमलेश यादव, अतुल कुमार, सौम्या यादव, कुलसुम जहां, प्रेमलता यादव, वैष्णवी यादव, संजय कुमार, अंगद शर्मा, अंकिता कुमारी सहित अन्य छात्र छात्रा एवं प्रोफेसर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने कहा, तरफ ध्यान होनी चाहिए सभी लोग, पहले दाएं होते हैं उसके बाद बाएं होते हैं, कोई बात नहीं। सर को देखते हुए ऊपर अपने हाथ की तरफ देखिए, हंसिए नहीं, आवाज को मैं आपको बताना चाहता हूं कि योग विषय बहुत बड़ा विषय है, आप लोगों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, एक विद्यार्थी के लिए बहुत सारा तनाव, बहुत सारा डिप्रेशन आज के युग में है और योग से ही दूर हो सकता है। शायद दुनिया का कोई भी योग ऐसा नहीं है, चाहे हठ योग है, चाहे राज योग हो, चाहे भक्ति योग हो। भगवान कृष्ण ने 18 योग बताया था, उतना योग आप लोग नहीं कर पाएंगे। महर्षि पतंजलि ने कहा कि योग मन की वृत्तियों को शांत करता है, अगर मन आपका शांत हो जाए तो आपको कोई चीज़ का अभाव नहीं हो। योगश्चित वित्त निरोधक की बात कही भगवान पतंजलि ने, ये बाबा गोरखनाथ की तपस्थली है तो यहाँ पे योग का और भी महत्व हो जाता है।
हाँ, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग में कार्यरत हूँ। साथ ही साथ आपदा एवं प्रबंधन विभाग का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ और यहाँ पे एनएसएस का संयोजक हूँ। जैसा आप जानते हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव पे सप्त दिवसीय योग प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें एनएसएस के हमारे सभी छात्र तथा आपदा प्रबंधन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के पाठ्यक्रम के छात्रों ने प्रतिभाग किया है। इस तरह हमने 7 दिनों से ये प्रोग्राम 14 तारीख से ये प्रोग्राम संचालित कर रहे हैं, उसका आज अंतिम दिन था। ये हम प्रत्येक दिन किसी न किसी योगाचार्य को बुलाते हैं और योग के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनसे दिलवाते हैं, जिससे बच्चे हमारे योग से लाभान्वित हों और समाज में अपने घर जाकर जागरूक करें कि योग करने से आप निरोग रह सकते हैं और योग के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानकर और उसके कुछ प्राणायाम, कुछ अभ्यासों, सूर्य नमस्कार जैसे योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योगासनों को वो योगाचार्यों के माध्यम से योग के विषय में सीखते हैं और घर पे जाकर उसका डेली अपने भी योग के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए सर, जैसा आप जानते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नई नई प्रकार की बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं, जिसको आयुर्वेद के माध्यम से तो दूर किया ही जाता है, लेकिन योग एक ऐसा विषय बन गया है जिससे किसी भी प्रकार की बीमारी को आप योग के माध्यम से दूर कर सकते हैं। और अगर आप नियमित रूप से योग करते हैं तो आपको बीमारी तो होगी ही नहीं, बीमारी दूर करने की बात तो बहुत बात की बात है। शाहपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को मोहल्ला शाहपुर घोशीपुरवा के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अजय गुप्ता पुत्र राम वृक्ष गुप्ता निवासी घोशीपुरवा थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रधीर कुमार मिश्रा, हेड कांस्टेबल नूरुद्दीन खान, कांस्टेबल प्रशांत नाविक, राहुल सरोज, शशिकांत सिंह शामिल रहे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सोमवार को महिला जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर बने पिंक टॉयलेट का लोकार्पण महापौर सीताराम जायसवाल ने किया। आपको बता दें कि इस परियोजना की लागत 6,88,000 है। इसमें 5 सीटेड शौचालय के साथ सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन, फीडबैक मशीन, रीडिंग रूम भी बनाया गया है, जिसमें केवल महिला लाभार्थी को ही प्रवेश दिया जाएगा। जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि महिला जिला अस्पताल के डॉक्टरों की मांग पर नगर निगम द्वारा यह पिंक टॉयलेट बनाया गया है तथा सरकार टॉयलेट बनाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। उन्होंने कहा कि महिला जिला अस्पताल ने महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक टॉयलेट बनाया गया है, जिससे कि यहाँ पर आए हुए महिला मरीज या किसी भी महिलाओं को परेशानी ना हो। इस अवसर पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर एन के श्रीवास्तव सहित अन्य डॉक्टर एवं नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, वैसे आएंगे।
ये है, इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। चिकित्सालय में एक 5-सीटर पिंक टॉयलेट, डॉक्टरों की मांग पर बनाया गया है नगर निगम द्वारा। सरकार टॉयलेट बनाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे नगर आयुक्त, CMO साहब, चीफ इंजीनियर, स्थानीय पार्षद, उपसभापति सभी लोग यहां पर मौजूद हैं और हम लोगों ने देखा है कि बहुत ही सुंदर और खूबसूरत और पूरी तरह से सफाई है। यहाँ पिंक टॉयलेट बनाया गया है कि हमारी जो महिलाएं आती हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। ये भारत सरकार की योजना है, इसको हम लोग, मैंने चीफ इंजीनियर से कहा है, इसको मेंटेनेंस के लिए एक आदमी नियुक्त किया जाए जो हमेशा इसको साफ़ सुथरा और रखे, तब भी जाकर इसका लाभ महिलाओं को यहाँ मिलेगा। इसी के लिए आज का आज लोकार्पण किया गया है सभी लोगों के द्वारा। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने मौसम पर कहा कि मौसम विभाग के प्राप्त सूचना के अनुसार आने वाले दिनों में कहीं पर भी चेतावनी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार स्थिति सामान्य है, अगले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य बना रहेगा। उन्होंने कहा अभी तक कहीं पर भी बारिश होने की सूचना प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन मौसम बदला है, उम्मीद है कि जल्द ही बारिश प्रारंभ होगा जिससे कि गर्मी से सभी लोगों को निजात मिल सके। यदि आगे कोई सूचना प्राप्त होती है तो आपदा विभाग के द्वारा अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके अनुसार अभी आने वाले कुछ दिनों में उन्होंने कोई चेतावनी अभी का उल्लेख नहीं किया है। जो भी सूचनाएं हैं अभी ग्रीन जोन में ही उन्होंने दिया हुआ है, तो अभी मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह से सामान्य बना रहेगा। बारिश की सूचना या किसी प्रकार की कोई सूचना इस समय मौसम विभाग द्वारा प्राप्त नहीं है, और अगर यदि कहीं कोई अपडेट होता है तो आपके चैनल के माध्यम से और अन्य मीडिया ग्रुप के माध्यम से उसको प्रसारित आपदा विभाग के माध्यम से कराया जाएगा। सर मौसम बदला है, देखा जाए पहले धूप था तो अब नॉर्मल हुआ है। देखिए मानसून थोड़ा डिले ज़रूर है, लेकिन ये मानसून का ही जो साइड इफेक्ट है ये उसी का ही है, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द बारिश होना प्रारंभ हो जाए जिससे कि ये जो गर्मी है उसे हम सबको निजात मिल सके। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अग्निवीर बनने को लेकर युवाओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया CM योगी ने। गोरखनाथ मंदिर के जनता दर्शन में CM से अग्निपथ योजना पर मिलने पहुंचे थे युवा। कहा अग्निपथ पर सुनहरे भविष्य के अवसरों के अनेकानेक हैं मार्ग, तथ्यहीन और तर्कहीन प्रलाप कर रहा है विपक्ष। अग्निवीरों को सेना, अर्धसैनिक बलों, राज्य सरकार की भर्तियों में आरक्षण के साथ प्राथमिकता, औद्योगिक घरानों ने भी की है नियुक्तियों में प्राथमिकता देने की पहल। दो दिवसीय दौरे पर रविवार को अपने गृह जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दर्शन। फरियादियों की सुनी फरियाद, मामलों का शीघ्र कार्रवाई का दिलाया भरोसा। दोपहर बाद लखनऊ के लिए हुए रवाना।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा। कहा, महानगर में जलभराव हुआ तो तय होगी अफसरों की जवाबदेही। अंतर्राज्यीय 11 मोबाइल चोरों को कैन पुलिस ने किया गिरफ्तार। 12 चोरी का मोबाइल, 72 ग्राम नाजायज स्मैक, एक ऑटो किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। इक्कीस जून को जनपद में आयोजित होने वाले योग दिवस की जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। एडीएम फाइनेंस ने कहा, जनपद में 75 स्थानों पर आयोजित होगा योग दिवस का कार्यक्रम, 8,00,000 लोग करेंगे प्रतिभाग। एसपी ट्रैफिक एवं आरटीओ के संयुक्त तत्वावधान में पूर्वांचल ऑटो एसोसिएशन एवं यातायात पुलिस के साथ बैठक हुई संपन्न। यात्री को चौराहे से 50 मीटर पहले ही उतारने और सभी टेम्पो पर 15 दिन के अंदर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने के दिए निर्देश। अग्निवीर योजना के विरोध को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे की 32 ट्रेनें हुई निरस्त। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा, अब कहीं पर भी स्टेशन पर नहीं हो रहा प्रदर्शन। सतर्कता बरतते हुए बिहार जाने वाली ट्रेनों को किया गया है निरस्त, बाकी ट्रेनों का सुचारू रूप से हो रहा है संचालन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रांगण में साप्ताहिक योग शिविर का हुआ समापन। कहा, नियमित रूप से योग करने से नहीं होगी कभी कोई बीमारी। गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त अजय गुप्ता को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। महिला जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर बने पिंक टॉयलेट का महापौर सीताराम जायसवाल ने किया लोकार्पण। कहा, महिलाओं की सुविधा के लिए बनाया गया है यह पिंक टॉयलेट। और अगले कुछ दिनों तक मौसम विभाग के अनुसार जनपद में नहीं होगी बारिश, स्थिति रहेगी सामान्य। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।